हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पक्के होंगे कलर के JOAIT, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने वाले कर्मचारियों की मांगी डिटेल। जो शिक्षा विभाग में 2 साल का नियमित अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले JOAIT और कलर के रेगुलर होंगे। उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर इन कर्मचारियों के प्रमाण पत्र व विस्तृत डिटेल मांगी है। बता दें कि 30 सितंबर 2023 तक 2 साल का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले JOAIT और कलर के रेगुलर होंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने सभी जिला उपनिदेशकों से ऐसे JOAIT और कलर के संबंध में जानकारी मांगी है जिन्होंने 2 साल का अनुबंध कार्यकाल नियमित रूप से पूरा किया हो। इसके लिए निदेशालय द्वारा परफॉर्मा ए और बी जारी किया गया है। इस परफॉर्मा के आधार पर जानकारी निदेशालय को देनी होगी। वह निर्देशों में कहा गया है कि JOAIT और कलर के संबंध में डिटेल अलग अलग निदेशालय को भेजनी होगी। यदि किसी जिला में कोई भी कर्मचारी रेगुलर होने के लिए योग्यता पूरी नहीं करता है तो उसकी जानकारी भी देनी होगी। जैसे नियुक्ति पत्र की सत्यापित कॉपी, मैट्रिक से लेकर अन्य योग्यता प्रमाण पत्रों की कॉपी, हिमाचली प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, वर्क एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, 2 वर्ष का अनुबंध काल पूरा करने का प्रमाण पत्र और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दस्तावेज शामिल किया गया है। बीएड की मेरिट लिस्ट 19-22 से शुरू होगी काउंसलिंग, मेरिट के आधार पर मिलेगी सीट। जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय सत्र 2023-25 के लिए 19 सितंबर को बीएड की श्रेणीवार मेरिट लिस्ट जारी करेगा। इसके बाद 22 सितंबर से बीएड की काउंसलिंग शुरू की जाएगी। इसमें HPU और SPU के कॉलेज शामिल हैं। वह विश्वविद्यालय के अध्यक्षता अध्ययन प्रोफेसर बीके शिवराम की अध्यक्षता में बीएड की केंद्रीय कार्यवाही कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। बता दें कि बैठक में फैसला लिया गया कि सरकारी और निजी कॉलेजों में छात्रों को सीट मेरिट के आधार पर ही दी जाएगी। वह काउंसलिंग करने के लिए छात्रों को ₹500 शुल्क के साथ फॉर्म भरना होगा। वह मेरिट लिस्ट में नाम आने और कॉलेज मिलने के बाद छात्रों को कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे। वहीं स्पोर्ट्स कोटे के तहत भरी जाने वाली सीटों की काउंसलिंग DSW में होगी। इसके लिए छात्रों को निर्धारित तिथि में HPU आना होगा। इस बार बीएड का सत्र काफी देरी से चल रहा है। वह बीएड की केंद्रीय कार्यवाही बैठक में फैसला लिया गया कि इस बार विश्वविद्यालय बीएड की काउंसलिंग 50 दिनों की बजाय 35 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। वहीं HPU की यह काउंसलिंग संयुक्त रूप से की जा रही है। प्रदेश में 75 बीएड कॉलेजों में करीब 8500 सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया हुई है। टीएमसी में 25 से ओपन हार्ट सर्जरी, स्वास्थ्य मंत्री सांडिल का खुलासा, मरीजों को मिलेंगी सुविधाएं। जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनराम सांडिल ने शुक्रवार को शिमला में बताया कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश में सर्वोत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों के घर द्वार उपलब्ध करवाने के लिए दृढ़ता से कार्य कर रही है। इसी के दृष्टिगत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कांगड़ा स्थित टंडा में हृदय शल्य चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है। वह स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह केंद्र 25 सितंबर से कार्यशील हो जाएगा। इसके तहत टंडा मेडिकल कॉलेज के CTBS विभाग में ओपन हार्ट सर्जरी शुरू की जाएगी। इसके लिए अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी शिमला के विशेषज्ञों का दल भी सहयोग करेगा। बता दें कि डॉक्टर सांडिल ने कहा कि हिमाचल सरकार क्षेत्र में ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा प्रदान करने वाले देश के चुनिंदा राज्यों में शामिल है। पशुपालकों की बल्ले बल्ले, सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अब इतने रुपये लीटर मिलेगा दूध का भाव। जब प्रदेश सरकार जल्दी ग्रामीणों से अपने चुनावी घोषणा पत्र के वादे को पूरा करते हुए दूध की खरीद प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके तहत गाय का दूध ₹80 व भैंस का दूध ₹100 प्रति लीटर खरीदा जाएगा। इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इसके तहत उपमंडल स्तर पर दूध कमेटियों का गठन कर दिया गया है। बता दें कि उपमंडल स्तर पर 10 से 12 दूध कमेटियां बनाई गई है। वह दूध कमेटियों के पंजीकरण की समस्या को भी सरकार ने दूर कर दिया है। इस कड़ी में अब दूध कमेटियों का पंजीकरण मिल के फेड करेगा। इसके लिए आवश्यक कागजात कमेटियों के सदस्यों को मिल के फेड के पास जमा करवाने होंगे। आगे की सभी औपचारिकताएं मिल के फेड पूरी करेगा। वह ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से दूध खरीदने का फॉर्मूला निर्धारित कर लिया गया है। वह गाय या भैंस पालने वाली महिलाएं ही सरकार की दूध खरीद योजना में शामिल होंगी। हिमाचल में खुला नौकरियों का पिटारा, इस साल होंगी 6000 शिक्षकों की भर्ती, सीएम सुक्खू ने किया ऐलान। जो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश शिक्षा विभाग में इसी वर्ष नवंबर तक 6000 अध्यापकों की भर्ती की जाएगी जिससे शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही।
दिल्ली से ट्रैक होंगे हिमाचल में पीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट। 170 वाहनों पर व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाएगी केंद्र सरकार। हिमाचल में पीडब्ल्यूडी के कार्यों की अब दिल्ली से निगरानी होगी। केंद्र सरकार ने व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम यानी कि VTS लगाने का फैसला किया है। यह सिस्टम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की जानकारी जुटाएगा। वह शुरुआत में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय 170 BTS हिमाचल को मुहैया करवाएगा। यह सभी सिस्टम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मंजूर हुए 44 प्रोजेक्ट की निगरानी करेंगी। इन प्रोजेक्ट में काम कर रहे JCB मशीन समेत अन्य भारी मशीनरी पर इन्हें स्थापित किया जाएगा और जितनी देर मशीनरी काम करेगी यह सिस्टम दिल्ली में केंद्र सरकार के अधिकारियों को लाइव रिपोर्ट देगा। बता दें कि PMGSY में केंद्र सरकार ने 2700 करोड़ रुपए की मंजूरी हिमाचल सरकार को दी है। हमीरपुर कांड ने प्रदेश संघ मानवता को शर्मसार किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने घेरी सरकार। जे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हमीरपुर में महिला के साथ हुई अमानवीयता पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह घटना मानवीयता को शर्मसार करने वाली है। वह प्रदेश में इस तरह की घटनाओं का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की मानसिकता पर रोक लगनी चाहिए। इस तरह का कृत्य करने वाले को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाना चाहिए। वह सभी को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। वह जयराम ठाकुर ने कहा कि यह जघन्य कृत्य है। देवभूमि की संस्कृति और पहचान ऐसी कभी नहीं रही। वे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल देवभूमि है। हमीरपुर में हुई इस घटना ने देवभूमि की छवि को तार तार किया है। वे मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से लगता हुआ यह क्षेत्र है जहां पर यह घटना हुई है। वे पिछले 9 महीनों में एक से एक बढ़कर एक घटना हिमाचल में हुई है जो पहले कभी नहीं हुई। इस पर सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए। हॉस्पिटल से मरीजों को किया जा रहा रेफर, इमरजेंसी वार्ड में कुत्ते फरमा रहे आराम, फोटो वायरल। जो जिला हमीरपुर के भोरंज सिविल अस्पताल के सोशल मीडिया पर वायरल एक फोटो ने सरकारी व्यवस्थाओं पर तगड़ा तमाचा लगाया है। वह भोरंज सिविल अस्पताल में आपातकालीन बेड पर सोते हुए एक कुत्ते का फोटो वायरल हुआ है। यह फोटो 13 सितंबर 2023 सुबह 3:15 बजे का बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल की अव्यवस्था को पोल खुल रही है। वह सोशल मीडिया पर यह फोटो वायरल होने के बाद तरह तरह के कमेंट सामने आ रहे हैं। वह यूजर सरकारी व्यवस्था ट्रोल कर रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को जिला अस्पताल में बेड न होने के चलते हमीरपुर रेफर किया जा रहा है। वहीं कुत्ते अस्पताल के बेड पर आराम फरमा रहे हैं। प्रदेश में 18 सितंबर तक सक्रिय रहेगा मानसून। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, जारी रहेगा बारिश का दौर। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर करवट बदल ली है। वह प्रदेश में पिछले काफी दिनों से धीमा पड़ा मानसून सत्र सक्रिय हो गया है। ऐसे में प्रदेश के कई क्षेत्रों में आने वाले दिनों में बारिश की आशंका है। वह मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो प्रदेश में 18 सितंबर तक मौसम खराब बना रहेगा, जबकि 16 सितंबर तक बारिश, आंधी व तूफान चलने की आशंका है। कांग्रेस ने बनाई पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, चुनाव हारने वालों के साथ नाराज नेताओं को लेकर बनाई समिति। जिन लोकसभा चुनाव की आहट के बीच कांग्रेस ने बड़ा दांव चल दिया है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक प्रयास में प्रदेश कांग्रेस के बिखरे कुनबे को समेटने की कोशिश की है। वह कांग्रेस हाईकमान ने राजनीतिक मामले की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी तय की है। इस समिति में 25 पदाधिकारी शामिल हैं। वह राजनीतिक शब्दों का सोच समझे तो मिनिस्टर इन वेटिंग और चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर होकर हाशिए पर जा पहुंचे नेता भी सूची में दर्ज है। इस सूची को मौजूदा सरकार के ओहदे के हिसाब से नहीं बल्कि कांग्रेस में वरिष्ठता के आधार पर तय किया गया है। बता दें कि दिल्ली से जारी सूची में सभी 25 पदाधिकारियों के नाम मौजूद पदों के हिसाब से ऊपर नीचे हो गए हैं। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।